में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन जो आज की वीडियो इंतहाई अफसोसनाक वीडियो होने वाली है। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। नाजरीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन ने ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अभी जारियत हर साल ही जारी रहती है, तो इस साल दोनों ने कुछ हद ही कर दी थी। नाजरीन ने ग्रामी, वीडियो बहुत ही अफसोसनाक वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे थे कि 5 से ज़ायद अफराद जो थे इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ रहे थे वो डूब रहे थे, और उसके बाद आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते चले कि नारायण कगान जाने वाला जो लाहौर से बड़ा रोड निकलता है नारायण कगान को, वो रोड जो है सैलाब के बाइस बह चुका है और तकरीबन कई गाड़ियां जो है उसके नीचे चली गई हैं और 116 से ज़ायद अफराद जो कि जहां भाग को हो चुके हैं और उनकी लाशें निकाल ली गई हैं और कुछ अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हुकूमत पंजाब ने रेस्क्यू की टीमें और हेलीकॉप्टर वगैरह भेज दिए हैं जो उनकी लाशों को तलाश करने के लिए पहुंच गए हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि अगर आप भी कहीं नारायण कगान की साइड पे जा रहे हैं सैर करने के लिए जा रहे हैं तो आप भी अलर्ट हो जाएं, ना जाएं। आपसे गुजारिश है कि आप किसी और तरफ चले जाएं लेकिन नारायण कगान ना जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि नारायण कगान उनके मुल्क पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन शहर है जहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं और घूमने के लिए जाते हैं और पाकिस्तान के लोग तो फिर अक्सर ही जाते रहते हैं। तो नाजरीन, आपको बताते चले कि अगर आप पाकिस्तान से हैं या किसी बैरूने मुल्क से ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी उधर ना जाएं नारायण कगान में, क्योंकि नारायण कगान मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और हुकूमत पंजाब ने वहाँ पर जाने से एक दफ़ा पाबंदी लगा दिया है। जी हाँ नाजरीन, आपको एक और बड़ी खबर से आगाह करते चले कि हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगा दिया है और रेंजर की